वाच ब्रूही देव महेता न यथा च परमेश्वरी बभूव मेनना गर्भे पूर्ण भावे न पार्वती सुतम बहु पुराणेषु ज्ञायते जयद्यपि जन्म कर्मादिकं तस्यास्तथापि परमेश्वर श्रोतुं सविष्यते त्वत्तो यतस्त्वं इति तत्त्वतः तद्वस्व महादेव विस्तरेण महामते श्री महादेव उवाच त्रैलोक्य जननी दुर्गा ब्रह्म रूपा सनातनी प्रार्थिता गिरिराजेन तत्पत्न्या मेनयापि च मोग्रह तपसा पुत्री भावेन पुनिपुंगव प्रार्थिता च महेशेन सती विरह दुखिना प्रयौ मेनना गर्भे पूर्ण ब्रह्ममयी स्वयं तथा शुभदिने मेना राजीव दृशानना सुशुभे तनिहां देवी सुप्रमां जगदंबिकां ततो भवत् पुष्टि सर्वतो मुनिसत्तमा पुण्यगन्न वयोपायो प्रसन्ना चतुशो दिशा तथा दृगजा सत्वा तो पुत्रीं जाता सुमानना तरुणादित्य कोटाभ्यां त्रेतां दिव्यरूपिणीं अष्टहस्तां विशालाक्षीं चंद्रालकतशेखरां मेने तां प्रकृतिं सूक्ष्म माध्यम जातं सुलीलया तथा अष्टमना भूत्वा विप्रभ्यो वर्धतौ बहु धनं वासांसि च मुने दोग्धाश्च सहस्रशः दृष्टं प्रतिदेव चाशु बन्धुभिः परिवारितः ततस्तामागतं ज्ञात्वा गृद्रं मे निकातदा प्रोवाच तनयां पश्यन् राजन् राजीवलोचनाम् आवयोस्तपसा जाता सर्वभूतहिताय च तदा सोऽपि निरीक्षयीनां ज्ञात्वा त्वं जगदम्बिकां प्रणम्या सरसा भूमौ कृताञ्जलिप्रतिष्ठितः प्रोवाच वचनं देवि भक्त्या वद्गतया गिरा हिमालयोवाच का त्वं मातर्विशालाक्षी चित्तरूपासु लक्षणा न जाने त्वामहं वत्से यथा कथवतः स्वमां श्रीदेव्युवाच जानी मां पराशक्ति माहेश्वर कृताश्रियं शाश्वतैर्विज्ञानमूर्तिं सर्वप्रवर्तिकां ब्रह्मविष्णुमहेशादि जननीं सर्वमुक्तिकां इष्टिस्तुविनाशानां विधात्री जगदम्बिकां अहं सर्वान्तरस्था च संसारावतारिणी नित्यानन्दमयी नित्य ब्रह्मरेश्वरीति च युवियोस्तपसा जाता तुष्टि भावेन पुनर्या जाता तव गृहीता तव बहुवाक्यवशात् तव हिमालय उवाच भातस्त्वं कृपया ग्रहे मम सुता जातासि नित्यापि यत् वाक्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवन्या अपि माहीचीं प्रति दर्शयाच कृपे विश्वेशितोभ्यं नमः श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्यामि रूपमेश्वरं चिन्तयत्संचयं विद्युं सर्वदेवमयि पितः श्रीमहादेव उवाच इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटप्रभं चारुचन्द्रागतशेखरं त्रिशूलवरदहस्तं च जटावण्डितमस्तकम् मयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रेतं च नागयज्ञोपवीतनं दिविचर्माम्बरधरं नागेन्द्रगतभूषणम् एवं विलोकितरूपं विस्मतोऽभिमान् पुनः प्रोवाच वचनं मातादरूपमन्य प्रदर्शया तथा संहित्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यमनं प्रशिष्ट विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिमं चारोत्मकोटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदापद्महस्तत्रयत्रोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् योगेन्द्रबन्ध सम्बद्ध्य सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोभुगं दृष्ट्वा तदेतत्परं रूपं विमान् पुनः प्रणम्य जनीयां प्राविस्मयोत्फुल्लोचन हिमालय उवाच मातस्तमेव परमं रूपमेश्वरमुत्तमं विस्मतोऽस्मि समालोक्य रूपमन्य प्रदर्शय त्वं यस्य यो यच्चो योहितनश्च परमेश्वरी अनुग्रहीष्व मावर्तां कृपया त्वां नमो नमः श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शरीराजिनः पार्वती तरूपमयी सन्त्य दिव्यं रूपं समागतसे नीलोत्पतलश्याम वनमाला विभूषणं शङ्खचक्रगदा पद्मविभक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्यं तद्रूपं तद्रूपं शैलानाधिपतस्थितः कृताञ्जलिप्रतिष्ठित्वा अर्जेन महतायुतः स्तोत्रणानि तां देवी पृष्ठा परमेश्वरीं सर्वदेवमयीं वाद्यां ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां हिमालयो वाच माता सर्वमहीं प्रसीद परमे विश्वे शि विश्वाश्रये त्वं सर्वं नहिं किञ्चिदस्ति भुवने दत्त्वं तवन्यच्छवे त्वं विष्णुर्गिरिशस्त्वमेव नित्यां धातासि शक्तिपरा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्मादिगम्यं मया त्वं स्वाहा किल देवि त्राप्तजननी विश्वेसि त्वं वैश्वता पित्राणामपि तृप्तिकारणमसि त्वं देवादेवात्मिका हव्यं कव्यमयि त्वमेव नियमो यज्ञस्तभौ दक्षिणा त्वं दर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशितोभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात्परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं माता श्रुतप्तं तव वाचा दुर्विषयं मलोति गमति त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्या अहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्य सूर्यसभा प्रभा मम गृहे जातां स्वलीलं लीलया
देवीमष्टभुजां विशालनयनाबालेन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननीं देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्तिमवलं नागेन्द्रभूस्वज्वलम्। श्री यमुना महारानी में 108 दीपक दीपदान। ऐसा मन में भाव लाओ कि गणेश जी महालक्ष्मी शुभ लाभ सिद्धि बुद्धि के सहित सदैव हमारे घर में विराजमान रहे, हमारे हमारे यजमानों का कल्याण करते रहे, सभी विघ्नों को दूर करें और बाकी के सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें, यज्ञ नारायण भगवान अपने स्थान को प्रस्थान करें। जब भी हम कोई धर्म का कार्य करेंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, तब आप सभी के लिए पुनः आमंत्रित करेंगे, आप सभी पुनः बधाइएगा। सभी मंडलों पे थोड़े थोड़े से चावल चढ़ाइए। ज्ञान तो देव गणा सर्वे पूजा मालाय माम किम पूर्वकं पूर्णिमा प्रारंभ कृत्वा अमावस्या पर्यंत आवाहि देवी देवतानां पूजनं तथा च सर्वे पितृस्वराणां असद्गति निवारणार्थं सद्गति प्राप्ति लोक सद्गति प्राप्ति हेतवे गोलोक धाम प्राप्ति कामनया एवं सर्वे यजमानस्य संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं ऐश्वर्य आदि वृद्ध्यर्थं भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु पर द्वारा आयु आरोग्य स्वर्थम भागी बिहारी अभी चल भक्ति प्राप्ति अर्थम निम्यानास्तरे दीप दानम कर्म अहम करिष्यसि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परपूर्णम ततस्तु मे आवाहनम जना जानामि न जानामि तवार्चनम पूजाम शैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी।